तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ में ट्रायंगल। और ये जो प्रश्न है ये एरिया सिमिलैरिटी पर आधारित जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो एरिया सिमिलैरिटी हमने क्या बताया था कि कोई दो त्रिभुज समरूप दिए होंगे, ठीक है, उनकी जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कुल मिलाकर के भुजा का वर्ग एक तरफ करेंगे, भुजा के अनुपात का वर्ग एक तरफ और क्षेत्रफल के अनुपात एक तरफ। तो क्वेश्चन इसमें सबसे पहला दिया गया है दो त्रिभुज, वो भी कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, कि भुजाएँ 4:9 के अनुपात में हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो किसी भी मान लेंगे जो पहला समरूप त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल A1 है और जो दूसरा समरूप त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल A2 है। दोनों समरूप हैं क्योंकि दिया भी गया है, तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफल यानी A1/A2 बराबर होगा भुजा के वर्ग अनुपात के वर्ग के, भुजा और बटे भुजा, ठीक है ना। ये भुजा क्या है, पहले वर्ग की भुजा है, पहले त्रिभुज की भुजा, और ये दूसरे त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। तो इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजा का अनुपात कितना दिया गया है, 4:9। 4:9 का मतलब क्या होता है, बटा। 4:9 दिया गया है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, ठीक है। पहले ये इस वाली त्रिभुज की मान लेंगे ये भुजा है और इस वाली त्रिभुज की मान लेंगे ये भुजा है, ठीक है। 4/9 स्क्वायर लगा हुआ है फार्मूले में, तो स्क्वायर कर देंगे, ये किसके बराबर है, क्षेत्रफल A1/A2 के। सॉल्व करेंगे तो 4×16 हो जाएगा और 9×9=81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A1/A2। तो इनका अनुपात क्या आएगा, A1/A2 बटे का मतलब अनुपात 16:81 होगा, ठीक है। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये, केवल और केवल जो इसके क्वेश्चन है ये बहुविकल्पीय में ही आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का मान या परिमाप क्रमशः 40 सेमी 60 सेमी है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, मान लेंगे जो पहला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल A1, दूसरे वाले का A2, दोनों आपस में क्या है, सर्वांग, ये समरूप है, ठीक है। इनके परिमाप कितना है, पहले वाले त्रिभुज का परिमाप मान लेंगे P1 है और दूसरे वाले त्रिभुज का परिमाप क्या है, P2 है। परिमाप मतलब चारों ओर का माप, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है यानी A1/A2 बराबर होता है जितनी भुजाएं, क्योंकि परिमाप भी किसका योग होता है, भुजाओं का योग। तो P1/P2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज के परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो A1/A2 बराबर हल करेंगे तो फिर P1 परिमाप पहला कितना है, 40, और दूसरा परिमाप कितना दिया गया है, 60, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4×16 ऊपर हो जाएगा और नीचे 6×36 हो जाएगा, बराबर में A1/A2। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा A1/A2 वो कितना होगा, यहाँ से पहले कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से कट जाएगा, 4×9=36, 4×16, ठीक है। तो ये आंसर कितना होगा, ऊपर बचा कितना, 4 बचा है और अनुपात बटे का मतलब अनुपात, और नीचे कितना बचा, 9। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयाँ क्रमशः 3 सेमी तथा 4 सेमी, इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इनकी संगत भुजाइयाँ, जैसे A1 के लिए ऊँचाई H1, A2 के लिए ऊंचाई H2, संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरम हमने प्रूव्ड भी कराई है पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो A1/A2 ऊंचाइयां कितनी है, एक 3 है और दूसरा कितना है, 4, क्या लगा है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर देंगे,
तब A1 बटा A2 बराबर कितना आएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो अनुपात के रूप में जब लिखेंगे तो A1 अनुपात A2 बराबर कितना हो जाएगा? 9:16। यही क्या हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 20 सेमी स्क्वायर 45 सेमी स्क्वायर है, ठीक है। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेमी स्क्वायर और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 45 सेमी स्क्वायर एरिया, यानी है इसकी ऊंचाई मान लेंगे h1 होगी और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? h2 हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि a1 बटा a2 त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। a1 बटा a2, a1 की वैल्यू 20 है, a2 की वैल्यू कितनी है? 45। 5 से काटेंगे, 5 × 20, 5 × 9 = 45। h1 बटा h2 का होल स्क्वायर, तो h1 बटा h2 का होल स्क्वायर बराबर करेंगे तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 2 बटा 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तब h1 अनुपात h2 कितना आ जाएगा? 2:3। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 होगा, ठीक है। तो ये थे एरिया सिमिलरिटी पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आना जरूर है, 100% पेपर में आएगा जरूर ये, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो वीडियो हम दूसरे डालें तो वो आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।